देखिए जम्मू में डोगरों का कहिए या महाराजा गुलाब सिंह का कहिए, जम्मू भी प्रैक्टिकली तो महाराजा रणजीत सिंह का जो राज्य था उसी का हिस्सा था, और महाराजा गुलाब सिंह रणजीत सिंह के प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ राज्य कर रहे थे। तो महाराजा गुलाब सिंह ने भी जैसे रणजीत सिंह पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को विदेशी साम्राज्य से मुक्त करवाने का प्रयास कर रहे थे, तो गुलाब सिंह भी उसमें पार्ट एंड पार्सल थे। तो ये गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख ये सारा जो क्षेत्र है इसको महाराजा गुलाब सिंह ने विदेशी साम्राज्य से मुक्त करवाकर एक बार इस पर कहना चाहिए कि पुनः मुख्य धारा में लेकर आए। अदरवाइज जहाँ जो राज्य था वो अफगान या तुर्क या समझिए मुगल मंगोल इस प्रकार के जो सेंट्रल एशिया से लोग आए हुए थे उनका राज्य स्थापित हो चुका था। तो महाराजा गुलाब सिंह ने सारा क्षेत्र आज़ाद करवाया और उसको पुनः मुख्य धारा में लेकर आए। तो इसकी तो रादर मैं समझता हूँ जनरल जोरावर सिंह जो उसके महाराजा गुलाब सिंह के सेनापति थे इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका जनरल जोरावर सिंह की थी। जोरावर सिंह ने अपने कहना चाहिए बाहुबल से अपने पौरुष से वो सारा क्षेत्र जीता, और लद्दाख से जनरल जोरावर सिंह तो लद्दाख से भी आगे तक चले गए थे, यदि बर्फ़ ना पड़ती तो शायद जनरल जोरावर सिंह और आगे चले जाते। लेकिन फिर आज लोग आश्चर्यचकित हैं कि जनरल जोरावर सिंह किस मार्ग से वहाँ तक गए और इतनी कठिन परिस्थितियाँ थी, आज भी डिफेंस एक्सपर्ट्स उसका अध्ययन करते रहते हैं कि हाउ इट बिकेम पॉसिबल कि उन दिनों जिन दिनों साधन बहुत कम थे ये लोग वहाँ तक चले गए। मैं समझता हूँ जब भी हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा हिंदुस्तान से विदेशियों को उखाड़ने का इतिहास लिखा जाएगा तो तीन लोगों की बार बार चर्चा होगी, जनरल जोरावर सिंह की, महाराजा गुलाब सिंह की और महाराजा रणजीत सिंह की।